जो बहुत ज्यादा खूबसूरती में छा गया हो उसको मृग के नैन से तोला जाता है, क्योंकि मृग से नैन जो होता है मृग का, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता जगत में। मृग का नैन इतना सुंदर होता है। तो पार्वती को भगवान शंकर बड़े बड़े नामों से पुकारते, मीठे नामों से, है? क्योंकि हर एक पति का अपना एक नाम होता है बीबी के लिए। अगर कोई बीबी उसे पसंद है, मन में बस गई है, तो उसको अलग ही नाम से बुलाता है फिर वो। तो भगवान शंकर पार्वती को खूब अनुराग दे रहे, प्रेम दे रहे, पर भगवान एक चीज पकड़ के बैठे, अगर इस प्रेम को तुम प्रैक्टिकल करना चाहती हो तो फिर राम की भक्ति करो। पार्वती ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मैंने जब राम को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो मैं उनकी भक्ति कैसे कर सकती हूँ? अरे, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास कैसे बैठेगा? मुझे कुछ तो उनका दिखाओ। क्या देखना चाहती है तू? तो देखिए, तीन चीज देखनी चाहिए इष्ट की। सबसे पहले इष्ट का रूप देखना चाहिए, उसके बाद इष्ट का गुण देखना चाहिए, और उसके बाद उसका स्वभाव देखना चाहिए। रूप, गुण और स्वभाव, ये तीन चीज जिसमें एक समान हो उसको ही अपना भगवान मान लो, उसको ही अपना इष्ट मान लो, उसको ही अपना देवता मान लो, उसकी ही सेवा में लग जाओ। है? जिनके स्वरूप ऐसे मोह, मन को मोहने वाले है, जिनके स्वरूप में मोहिनी है, आकर्षण है, उनके स्वरूप के साथ स्वभाव भी वैसा ही है और उनके गुण भी वैसे ही हैं, फिर उसको ही भगवान समझो। क्योंकि गुण, कर्म, स्वभाव, ये तीन जिसमें एक जैसे होते हैं उसको भगवान माना गया है, और जिसमें गुण अलग, स्वभाव अलग और रूप अलग, ये तीनों अलग हो गए, उसकी कोई संज्ञा नहीं है। वो तो भूत है कि प्रेत है कि चुड़ैल है कि चूड़ा है कि क्या है, समझता नहीं। शंकर भगवान से पार्वती ने पूछा, तुम इतना मुझे प्रेशराइज क्यों कर रहे हो, अर्थात मुझे इतना क्यों कह रहे हो, क्यों, क्या बात है उस राम में, ऐसी क्या बात है, तुमने ऐसा क्या जाना? तो भगवान शंकर ने पार्वती को एक सुंदर सी बात रामायण में कह सुनाई। कहूं उमा में अनुभव अपना, कहूं उमा में अनुभव अपना, हरि बिन भगत जगत सब सपना। देवी, मेरी जिंदगी का अनुभव बताता हूं। मेरे पास में सोने के महल, सोने के पहाड़ हैं, पर बिना भगवान के भजन के ये सोना भी मिट्टी के समान है, एक दिन इसे भी छोड़ के जाना पड़ता है। ये सोने के कैलाश के जो सुंदर सुंदर आभूषण है ना, ये हमारे नहीं है, ये उस राम ने हमें भोगने के लिए दिया है, और जो भोगने की वस्तु है ना, उसे आप दिल मत लगाओ, उससे ज्ञान लगाइए। भोगने की वस्तु से दिल लगा लिया तो आप फंस जाएंगे भोगों में, और अगर भोगने की वस्तु को ज्ञान से भोगा तो आप कभी नहीं फंसेंगे, और वो भोग तुम्हें पहलवान बना देगा, और जो भोग तुमने गले से लगा लिया तो वो भोग तुम्हें नरक में ले जाएगा, दुखों में ले जाएगा, बीमारियों में ले जाएगा, गरीबी में ले जाएगा, रोगों में ले जाएगा, और समय से पहले तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। भोग करने के लिए ज्ञान चाहिए, भोग करना जरूरी है, है? भोग से भी सुख मिलता है, पर ज्ञान पूर्वक भोग करें। है? मुझे इतनी छोटी कटोरी में रबड़ी दे दो, मैं उसमें से 30% ही खाऊंगा, 70% तो उसमें छोड़ूंगा। आप चम्मच में दे दो तो भी मैं उतना ही खाऊंगा, आप मुझे उंगली से निकाल के दे दो तो भी मैं उतना ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी भर रबड़ी खानी, उसका मजा लेना है, तो मैं कम खाता हूं। और तुम रबड़ी से लटक जाते, इसलिए तुम्हें हो जाता है डायबिटीज, लटक गए रसगुल्ले से, चार ठोक दिए, जीजा जी ने कहा एक और ले ले तो पांचवा भी ठोक दिया, साले ने कहा एक और, छठवा भी ठोक दिया। अरे जीजा साले का जीजा के कहने से रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है, पर जब इंजेक्शन लगेंगे तब जीजा बुला लेना, इंसुलिन घुसेड़ना पड़ेगा, तब जीजा कहां जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं जीजा जी, एक ले लो, आप बहुत दिन में आए, नहीं एक लेना ही पड़ेगा अब तो। आप देखिए, भोजन और श्रद्धा भगत की हो सकती है, पर पेट तो आपका है, समझ में आ रहा है? बैंक बैलेंस किसी का हो सकता है, पर झोली तो आपकी है। कोई अरबों खरबों तुम्हें दे दे और तुम लेने को तैयार हो जाओ, ऐसी भूल ही करना मत। उतना लो जितना पचा सको। लिमिट से, संयम से,
भोग करो। इसलिए आचार्य रजनीश कहते हैं, अगर भोग को ज्ञान से किया गया तो भोग ही योग की तरफ ले जाता है। भोग से स्वस्थ रहते ना, अगर भोग नहीं किया तो आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो भोग ज्ञान से करना चाहिए। भोग करने से पहले सत्संग ले लो, गुरु बना लो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि बच्चे को जिस समय पाठशाला में पहली क्लास में केजी में एडमिशन होता है उस समय पहले उसे गुरु बनवाया जाता था। पहले गुरु बनाओ, पहले फिर गुरु के पाठशाला में पढ़ने का ये नियम है। क्यों? क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ज्ञान से, गुरु से, साधु से। तो जीवन में फिर अज्ञान आता कहां से? जीवन में पाखंड आएगा कहां से? जीवन में बनावट ही बचेगी नहीं, क्योंकि उंगली पकड़ते समय गुरु ज्ञान मिल जाए तो फिर हम रास्ता कभी भटक सकते पर बड़ी मुश्किल हो गई है, है? बड़ी मुश्किल हो गई है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का भी ब्याह हो गया, अभी तक दीक्षा नहीं, अभी तक कोई गुरु नहीं, अभी तक कोई ज्ञान नहीं। जीवन में दुनिया भर का कमा लिया पर आज तक पांडाल डाल के कोई सत्संग नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, क्या करेंगे इसका? बेटे के लिए कितना भी छोड़ के चले जाओ, सिवाय जलाने के तुम्हें और कोई सत्कार करने वाला? छोड़ जाइए, कितना भी छोड़ जाइए अपने बेटों के लिए, केवल जलाने का काम तुम्हारा बेटा करेगा और तुम्हें फूलों में सजाने वाला? करोड़ों की जमपत्ति, करोड़ों की संपत्ति बाप छोड़ के चले गए पर बेटा रोज ताजा फूल फोटो पे भी चढ़ाता नहीं है। आजकल तो ऐसी फूल मालाएं चली हैं लकड़ी की, छिलके छील के लकड़ी का छिलका, बबूल की लकड़ी का, उसमें धागा डाल के पापा पे चढ़ा दिया, साला सूखे ना, क्योंकि मरा हुआ है। ताजा फूल का फायदा भी क्या है? पर तुम हो गए एड़े मूर्ख, हो गए मूर्ख, उनके लिए कर रहे सब, सब उनके लिए कर रहे जो सूखी लकड़ी की माला चढ़ाएंगे बाद में उनके लिए जोड़ रहे। कितना भी छोड़ के चले जा बेटे के लिए कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा करना है तो कहीं यज्ञ करने लग जाओ, अखंड 10 साल तक यज्ञ चलने दो। जिसके घर में 10 साल यज्ञ चलता है, यज्ञ में डाला हुआ घी जो होता है 10 रुपए का या 20 रुपए का, वो घर के कपाट में 100 रुपए बनता रहता है और इन सब 20 रुपए जाता रहता है, 80 रुपए रोज बढ़ते रहते तुम्हें नहीं समझेगा। यज्ञ करने से आदमी को रोटी नहीं खानी पड़ती, पेट भर जाता है। यज्ञ करने से आदमी को मार्बल नहीं लगाना पड़ता, बरसात झोपड़ी में घुसती नहीं है। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, मार्बल में ग्रेनाइट में थोड़ी रहते थे, पर झोपड़ी में एक बूंद नहीं जाती थी पानी की, तूफान से झोपड़ी उड़ती भी नहीं थी उनकी, क्योंकि यज्ञ भी विष्णु, विष्णु भाई यज्ञ, यज्ञ विष्णु का रूप है, कथा विष्णु का रूप है, सत्संग विष्णु का रूप है, मंत्र विष्णु का रूप है। जहां मंत्र होता है वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली नहीं है। रोग कैसे आ जाएगा बताइए ना। पार्वती हमेशा सुंदर रहे, पार्वती सुंदरी बने रहे, पार्वती की जवानी कभी नष्ट ना हो, पार्वती बूढ़ी ना हो, इसीलिए उन्हें सत्संग जरूरी है। जो व्यक्ति सत्संगी हो जाता है उन पे बुढ़ापा कभी नहीं आता है। जिन व्यक्तियों को सत्संग आ जाए, जो सत्य की संगति कर ले, वो बूढ़े नहीं होते कभी। है राम जी ने सत्संग किया, राम जी की आयु कुल कितनी है? 335 साल के बाद राम जी ने शरीर छोड़ा। कितने साल के बाद? 335 वर्ष के बाद प्रभु राम जी ने सरयू में जाकर जल में समाधि ले ली, पानी में चले गए और मछलियों को दान कर दिया शरीर और चले गए अपने धाम में। 335 साल में भी भगवान राम जी के चेहरे को देखो, बॉडी को देखो, 25 साल का नव युवक दिखता है। 335 साल के बाद में 126 वर्ष के बाद कृष्ण शरीर का त्याग करते हैं, वैसे ही लगते हैं। अब आप अंदाजा लगा लो अपने शरीर का, 16 साल पहले आप कैसे थे, अब 55 साल में आप कैसे हो गए, जरा समझ लीजिए ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान और सत्संग और गुरु की कमी के कारण बुढ़ापे ने आपको घेर लिया, क्योंकि भोगों ने भोग लिया इसीलिए तुमने रोग लिया। आए भोग आए रोग, ध्यान करो। कब सुधरेंगे? सत्संग चलता रहेगा महाराज जी। हम सच कहते महाराज जी, हम दिन भर खेत में काम करते फिर भी आपकी कथा सुनने आए, क्योंकि हम सुधरना चाहते हैं। आपकी भावना मैं समझ चुका हूं, आप सुधरना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको दिल से सुनाना चाहता हूं और दिल से ही सुना रहा हूं। अधोगतम पोथी तो इधर रखी है, मैंने तो हाथ भी लगाया नहीं पोथी को, खोली भी नहीं, और 8 दिन और नहीं खोलूंगा पोथी को, और आपको सारे जगत की पोथी सुना डालूंगा। गतेन दर्शनम पुण्य योगे अमृतम तथा कदम आत्मकथा विद्यानम। राम तो आत्मा में होता है, पोथी में राम होता
अरे पोथी में तो कागज और स्याही होती है जिससे प्रिंटिंग प्रेस पे छाप डालते, इसमें राम कैसे मिल सकता है? है राम तो आत्मा में होता है, क्योंकि राम जैसा चरित्र बना लीजिए तो आप भी हमारी तरह गाने लग जाएंगे, आप भी हमारी तरह गाने लग जाएंगे, हमारी तरह बोलने लग जाएंगे और हमारे जैसे दिखने भी लग जाएंगे। उनके जैसा चरित्र बना लो, उनके जैसा नियम बना लो तो तुम्हारा जीवन सत्य हो जाएगा। है भगवान बूढ़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान की थाली में खाना कमी होता नहीं। तुमने कभी भगवान को अपने मंदिर में भोग लगाया है कि नहीं? लगाया है महाराज जी, हमने तो भोग लगाया है। पर भगवान तो, हम दो पूरन पूरी रखते, वो दो पूरन पूरी जो की तो रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि भगवान भोग को ज्ञान से खाते हैं, भोगते नहीं भगवान, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। तो आप भोगिए मत। तो भगवान शंकर चाहते हैं कि जो मेरी पत्नी आई है, इसका भाव है मुझे भोगने का, अगर मैं इसके भोग में आ गया तो फिर मेरा तो जाएगा ही जाएगा पर साथ में ये भी डूबेगी, क्योंकि भोग चाहे कोई भी करो दो डूबते साथ में, अकेले का भोग होता ही नहीं है। एक कितना भी ज्ञानी हो पर भोग में चला गया तो ज्ञानी भी डूबेगा, इसलिए अथागतम न दर्शनम। अगर दोनों ज्ञानी हो जाएं तो फिर भोग किसके लिए होगा? फिर भोग होगा पुत्र के लिए, बस एक अच्छा पुत्र हो गया उसके लिए भोग होता है। सुख इंद्री ये भोग नहीं है, ये सब रोग की तृष्णा है, इससे रोग पैदा होता है, आप भली भांति जानते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता आपको, संकेत मात्र से समझ लो। मलमूत्र में खेल कर कोई स्वस्थ नहीं रह सकता, बस इतना समझ लो। मलमूत्र में खेल कर कोई निरोगी नहीं रह सकता, ये भी समझ लो। इसीलिए ज्यादा मत मरो और रामायण में लौट के आ जाओ तो तुम्हारा जीवन जरा सुंदर रहेगा, चमड़ी भी चमकीली रहेगी, नहीं तो चमड़ी हो जाएगी। डाली है भगवान ने, हर आदमी में 7 रंग डाले। आपको आपको पता नहीं तो मुझे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके शरीर में भगवान ने 7 प्रकार का कलर डाला है और वो 7 कलर मैं आपको गिना सकता हूं। गिनाऊं क्या? आदमी के इधर की साइड काली हो सकती है पर हथलेटी काली आज तक हमने किसी की देखी नहीं है। बताओ काला आदमी कितना होता है पर काले आदमी की हथलेटी कैसी होती है? हाँ। कोई कितना भी गोरा हो पर आंखों के पलक उसके काले ही होते। कितना भी गोरा हो जाओ, कोई आंखों का पलक काला होगा और भूल से किसी का पलक भी गोरा हो गया तो उसकी आंख के अंदर छोटा सा तारा है वो काला होता है। तो एक नहीं, आपके शरीर में 7 प्रकार की चमड़ी परमात्मा ने लगाई है, 7 कपड़ों से आपके शरीर को परमात्मा ने बनाया है। इसीलिए पीठ की चमड़ी अलग है, पेट की अलग, हथलेटी की अलग, इधर की अलग, गाल की अलग, पैर की, एड़ियों की अलग है। एड़ी में भगवान ने खादी भंडार लगाया है। एड़ी में कौन सा लगाया? एड़ी में कौन सी चमड़ी लगाई है ठाकुर जी ने? शुद्ध कॉटन लगाया है, मोटी है थोड़ी चमड़ी। आगे तलवे में चले जाओ तो पतली है। भगवान ने कितना ख्याल रखा है तुम्हारा। होठों को देखो, होठ में अंदर चमड़ी देख लो, इधर होठों में काला काला हो जाता है किसी के, अंदर तो गुलाबी रहता है। भगवान की बड़ी अजब लीला है, है? जीभ में भी देखो कैसा रंग, अलग अलग भगवान ने सजाया है तुमको। तो भगवान ने सतरंगी तो श्रृंगार तुम्हें करके ही भेजा है। तो शास्त्र कहता है उस सतरंगी श्रृंगार को जिसने बचाया उसके 7 जन्म सफल हो जाते हैं। आप अपने सतरंगी जीवन को बचाई, 7 जन्म सफल हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो परमात्मा ने जो श्रृंगार तुम्हें सजाया है अगर वही श्रृंगार तुम्हें रचना है और उससे तुम सुंदर लगते हो और तुम्हें वही श्रृंगार नहीं करने का है, ये केमिकल नहीं लगाने का है, तो थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको केमिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें चमक जाएंगी, गाल चमक जाएंगे, दांत चमक जाएंगे, बाल चमक जाएंगे, ये सारी चीजें चमकने लग जाती हैं, क्योंकि सारी चीजों को चमकाने के लिए अंदर एक ही चीज काम करती है, उसे हम कहते हैं तत्व, उसे हम धातु कहते हैं और वो स्त्री पुरुष दोनों में होती है। अगर उसे हम यूं ही नष्ट कर देंगे तो फिर हमारे बालों में आ जाती सफेदी, दांतों में कुछ काला पीला लग जाता है, कई गालों में आंखों के नीचे काला काला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता, लपड़े हो रहे दुनिया भर के। चले डॉक्टर के पास में, इधर काला हो गया है इसका कोई इलाज कर दो। अरे इलाज कैसे कर दे? सारा सिस्टम फिल्टर हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है।
कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, देवी अभी तुम इतनी सुंदर लग रही हो, अगर मेरा भोग करना शुरू कर दोगी तो तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें सुंदर ही देखना चाहता हूँ, इसीलिए चलो तुम्हें राम जी के पास लेके राम जी की दीक्षा दिलवा के राम की सेवा करने लग जाओ। और जो व्यक्ति राम की सेवा में सच्चे मन से लग जाता है उसका भोग विलासों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता नहीं है। लड़कियों को तो वही आदमी उठाएगा जिसका मन भगवान में ना हो। रावण का मन नहीं था राम में, इसीलिए वो स्त्रियों की चोरी करता था। इसीलिए याद करिए, भगवान का थोड़ा सा चिंतन अगर हुआ तो अवश्य हम तृष्णा से विलास से भोग से बचते हैं और शरीर तो स्वस्थ रहता है भगवान का ध्यान पूजा करने से। क्योंकि भगवान के पूजा पाठ का नियम अगर ले लो तो समय पर उठने की आदत हो जाती है, समय पर नहाने की आदत हो जाती है, समय पर पेट साफ करने की आदत हो जाती है और ये आदत आदमी को स्वस्थ रखती है, इसीलिए पूजा पाठ का नियम लेना ही चाहिए। पर ये नियम बिना गुरु के नहीं आता है, बिना गुरु के नियम करो टूट जाए तो डर नहीं लगता, गुरु करके किया और टूट जाए तो डर लगता है। अरे भाई अभी तो गलत हो गया, गुरु को वचन दिया अपन ने, तो एक बार नहीं तो एक बार तो जप लो, दो मिनट जप लो, तो कहीं ना कहीं होके नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो जीवन बचेगा, क्योंकि एक पग बच जाए तो बच जाते हैं, एक बाल बच जाए तो बच जाते हैं, तो बाल बाल बचा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता, तो बाल भर बच जाए तो भी आदमी की जिंदगी बचती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप इतना भी करोगे तो जीवन बच सकता है, पर उसके लिए नियम पकड़ना पड़ेगा, आपको सत्संग लेना पड़ेगा, कई गुरु के पास जाना पड़ेगा और उस नियम का आचरण करना पड़ेगा। देखिए गुरु का आचरण करके मैं यहां तक आ गया, मैं ऐसे लग रहा हूं आपको ये सब गुरु की कृपा है। मैं नॉनस्टॉप बोलता, रामायण है, भागवत है, शिव, जो आप चाहो सो लीजिए, कितना भी लीजिए, कोई भी कथा कहीं से भी कुछ भी जानो आप, ऐसे बोलते जैसे न जाने सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मुझको ही है। और सच में है, सचमुच में है ब्रह्मांड का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मांड में ज्ञान देने वाला होता है राम, और राम मैंने अपने दिल में बिठाया है, उसको परखा है, जाना, उसका आचरण करता हूँ, उसके चरित्र का पालन करता हूँ, इसीलिए कुछ गाने में कुछ बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं अध्ययन नहीं करता, 17 साल हो गए पुस्तक को छूता नहीं, मैं 17 साल से 17 साल पहले से पुस्तक का त्याग किया है, उपन्यास पत्रिका कुछ नहीं छूता, मैं व्रत है मेरा। पर ये सब कैसे आया, ये रामायण रोज नहीं होती है, 6-7-8 महीने में एक बार होती है, हमेशा भागवत चलती रहती है, कहां से आ जाता है ध्यान, कैसे आता है इतना दिन भर इतना करने का फिर ध्यान। अरे भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, ज्ञान के स्वामी, रामायण के स्वामी, भागवत के स्वामी दिल में जिसके बैठे हैं, तो फिर क्या करने का है। आप बताओ आपके शरीर में भगवान है कि नहीं, खाली इतना बताओ, हाँ या ना में बोलना है। आपके शरीर में भगवान है, इसीलिए आप हैं। जब वो राम निकलता है तो अपने पास कुछ नहीं बचता, फिर पड़ोसी लोग चिल्लाते हैं, जब तुम्हारा राम निकल के चले जाए तो तुम्हारे साथ में जाने वाली बरात ही चिल्लाती है राम नाम सत्य है, जाने वाला ना सुनता और ना ही देखता। तुम्हारे अंदर राम है तभी तक तुम सुन रहे, राम है तभी तक बोल रहे, राम गया तो खाली सत्य सत्य चिल्लाने वाले बजते हैं, तुम रहते नहीं हैं। इसीलिए तुम्हारे पीछे कोई राम नाम जपे उससे पहले ही तुम सुधर जाओ, और मरने से पहले ही राम को सत्य मान लो और अपने मुंह से ही चिल्लाओ कि राम नाम ही सत्य है, और जो सत्य का आचरण करे उसी की गति है। राम का आचरण करने से गति मिलती है, सत्य का पालन करने से गति मिलती है। अगर आपको गति न मिली तो जीवन यहीं रुक जाएगा। यही रुकने का मतलब, बिना गति के तो गाड़ी रुक जाएगी ना, गाड़ी को गति आएगी तो ही गाड़ी जगह छोड़ती है। अगर आपको स्थान छोड़ना है तो गति चाहिए, और गति नहीं हुई तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, अर्थात यह संसार में ही आना है, इसी धरती पे आना है। और धरती पे आके माँ के पेट में से कोई कलेक्टर नहीं बन के आता है, याद रखो जो आदमी बड़े बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं ना, उनको भी माँ के बिस्तर में पालने में लैट्रिन में बिगड़ना पड़ता है, बाथरूम में सोना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कितने भी बड़े घर का हो फिर भी जब बाथरूम और लैट्रिन करता है तो उसका शरीर तो गंदा होता है, मम्मी को समझता है थोड़ी देर में, चाहे कितनी भी रखवाली कर ले, उस मलमूत्र से गुजरना ही पड़ेगा आपको, उस गंदगी से गुजरना ही पड़ेगा आपको, उस मलमूत्र के पिटारे में अर्थात मम्मी के पेट में आपको रहना ही पड़ेगा 9 महीने तक। उससे बचना चाहते हो तो सत्य की गति को पकड़ो। मरे हुए आदमी को क्यों सुना रहे,
है, जब वो बिस्तर पे था तब तुमने क्यों नहीं राम नाम सत्य बोला उसको? मारेंगे लोग तुमको है? बीमार आदमी हो जाए कोई और वहां जाके 10 लोग बोलना शुरू कर दे बिस्तर के पास, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, तो फिर वो बीमार आदमी भी जिंदा होकर तुम्हें ठोकेगा जूतों से है? क्योंकि वो हराम खोर है ना, उसको सच्ची बात अच्छी नहीं लगेगी निकम्मे को। मरने के बाद कुछ भी बोलो, मरने के बाद में मस्त सो के जाता, तुम चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम बेवकूफ है, मैं ही अच्छा हूं क्योंकि मैंने कभी राम बोला ही नहीं। अच्छा बताओ, किसी की शादी हो रही हो और शादी में जाके आप ये चालू कर दो मंगलाष्टक राम नाम, तो आपको रसगुल्ले मिलेंगे कि नहीं उधर? पता नहीं, लोग कहेंगे लगता है बेवड़ा होके शराब पी के आए, भगाओ कुछ भी बोल रहा है। अब बताओ, आदमी 100% सत्य बोल रहा है फिर भी आदमी को बेवड़ा क्या क्या सिद्ध कर दिया उसको, यथा युक्तम न दर्शनम। मुझे लगता है शादी के समय भले ही आप कोई भी अष्टक बोलिए, पर मृत्यु के समय आपको सत्य ही अष्टक बोलना पड़ता है। पर शादी के समय तो अच्छा है कि वर वधू सुनते ही, पर मृत्यु के समय पर ये दूल्हा सुनता नहीं, ये बेवकूफी है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अंग्रेजी में प्रेयर करता हूँ कि आप जिंदे पर ही राम नाम को बोलिए, मरने के बाद ये किसी काम आता, जो करना है जीवित करिए। आप बड़ी बेवकूफी करते हैं, पिताजी जब जिंदे रहते हैं तब तो कोई गाय का घी लगा के पापा के घुटने की मालिश करता नहीं, और उस पापा मर गया तो उसकी हड्डी ले जाएंगे इलाहाबाद गंगा जी में डालने के लिए। अरे बेवकूफ, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, जली हुई हड्डी को गंगा में डाल के क्यों पाप कमा रहे, गंगा मैया को दूषित कर रहे हैं। अच्छा बताओ, तुम गंगा में जो डालते ऐसे हड्डी तुम्हारे कोई घर में डाल जाए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो गंगा में कैसे अच्छा लगता तुमको? गंगा भी किसी का घर है, उसमें हड्डी कैसे डाले? गंगा में कछुआ रहता, मछली रहती, उनका घर, उनके घर में हड्डी डालने से तुम्हारे पापा को मुक्ति हो जाती, और तुम्हारे घर में कोई हड्डी डाल जाए तो तुम्हें लगता कोई जादू कर गया। मरे पापा की हड्डी को चाहे गंगा ले जाओ, चाहे यमुना ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, अब तुम्हारे पापा को गधा बनने से कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि जीवन भर गधे की तरह ही काम करता रहा, कभी उसने मनुष्य का जीवन जिया नहीं, इसीलिए बेचारे को मनुष्य का शरीर तो मिलने वाला नहीं है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। करना है तो कर चल बंदे, करना है तो कर चल बंदे, और ये समय यू ही जाता, और फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता। अच्छा बताओ, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता। हमारे हिंदू धर्म में समधी लोगों की ज्यादा सेवा की जाती है। आप जब 16 साल के थे, इंदौर वाले समधी जी से बोल रहा हूं मैं, 16 साल के थे तो आप पेड़ पे चढ़ जाते थे कि नहीं? और अभी आप लाइट के खंभे पे चढ़ जाएंगे कि नहीं? नहीं। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे, जिस उम्र में आदमी नौकरी करके पगार कमा सकता है, जिस उम्र में आदमी अपने घर की छत पर चढ़ सकता है, जिस उम्र में आदमी अपने हाथों से पेड़ पर चल के फल तोड़ सकता है, और जिस उम्र में आदमी खम्भे पर चढ़ के वायर जोड़ सकता है, उसी उम्र में ही आदमी मुक्ति और भक्ति कर सकता है, बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। मेरे बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आओ, तेरा बुरी तरह।
से तीन अवस्थाएं होती हैं ऐसी जो हवा की तरह आती है और तूफान की तरह जाती है। तीन अवस्थाएं कौन सी ऐसी हैं जो फटाफट आती है फटाफट चली जाती है? देखिए, एक अवस्था बचपन जो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। दूसरी अवस्था है किशोर, बहुत जल्दी आई और बहुत फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। बैठ जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा बुढ़ापे के बाद में जवानी का भी आएगा सर। बच्चला भाई तुम नहीं बूढ़ी हो सकती कभी। हाँ, सबरी जैसी हो गई है फिर भी अभी पीछे पड़ी है, कथा करूंगी मैं तो। हाँ हाँ, मैं लगता है तामसबाड़ी में सब लोग अच्छे लगते हैं कथा करने वाले यार। अरे फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आवे। देखो बड़ी नाजुक लग रही है, बड़ी गरीब दिख रही है, पर 3 नवंबर से अकेली कथा कर रही है आस्था चैनल पे। हिम्मत है भाई, बड़े बड़े करोड़पति घबरा जाते आस्था के मारे, बुढ़िया ना घबराई। फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा मेरी तेरा बुरी तरह आवे। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए कितने आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए, पर हिम्मत देखो। ये सत्संग का प्रभाव है, महाराज इंद्रदेव के सत्संग से हुआ ऐसा, नहीं पहले नहीं थी बुढ़िया ऐसी। 4-5 कथा सुन के सोच लिया बुढ़िया ने कि अब कुछ साथ जाने वाला नहीं है। डाली डाली पतझड़ हो गई सबका या तेरी। डाली डाली पतझड़ हो गई सबका या तेरी। देखिए, जिस पेड़ पर पत्ते न रहे, जिस पेड़ पर फूल ना लगे और जिस पेड़ पर फल ना आए, उस पेड़ पर कभी कोयल बैठती नहीं, कौवा बैठता है, बाघ बैठता है। गीत, जिस पेड़ का पतझड़ हो जाए कभी हरियाली ना आए, उस पर खाली कौवा और बाघ बैठता है। और जिन पर फूल है हरियाली है फल है, उनमें तोते कूकते मोर कूकते कोयल कूकते। इसीलिए बुढ़ापे में जरा बेटा बहु नाराज हो जाते, क्योंकि बुढ़ापा सूखे पेड़ की तरह होता है, कोई पास आना पसंद करता नहीं है। इसीलिए बूढ़े होने से पहले कल्याण कर लो। महाराज इंद्रदेव जीवन में आ गया है तो पीछे नहीं हटने का, बहु और बेटे के पीछे नहीं आने का, और बहु और बेटे का भरोसा भी नहीं करने का। बिल्कुल सावित्री द्रौपदी जैसी बहू आ जाएगी तो भी घुटने का दर्द तो सास को ही भोगने का है। द्रौपदी जैसी बहू क्या कर सकती है, बाम लगा सकती है, सेक सकती है, पर घुटने थोड़ी बदलवा सकती है, है? अभी तक तो एक भी बहू ऐसी नहीं आई कि अपनी आंख दे दी हो अपनी सास को। वो बूढ़ी मैया तो कुदी खेना में जवान चल लू तू ले। ये नकली है सारा संसार। हाँ,
साइंस कहता है कि एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है, फिर भी बाप बेटे में कभी ऐसा हुआ नहीं आदान प्रदान। पापा जा रहा है किडनी की वजह से, पर बेबाप बेटा कह रहा है कि पैसे का मामला ठीक है पर किडनी तक मत आ तू, बाप होगा अपने घर का। समझ लिया संसार? करना है तो कर जल बंदे भक्त चला जाता, करना है तो कर जल बंदे भक्त चला जाता, और फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आता। डाली डाली पतझड़ हो गई सबका या तेरी, डाली डाली पतझड़ हो गई सबका या तेरी, डाली डाली पतझड़ हो गई सबका या तेरी, और काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरे। हाँ टिकट बन गई, ये दोनों घुटने दुखने लग जाए तो समझ लेना टिकट बन चुकी है। खाली प्रॉब्लम आ गया कि डीजल नहीं पेट्रोल पंप है, इसलिए एसटी महामंडल की बस उधर खड़ी है, डीजल डाला के जाना ही पड़ेगा। हाँ कंडक्टर भी ऐसा है सुनता नहीं है, यमराज नाम है उसका कंडक्टर का, बिठा के ही ले जाता है। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी, काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। कभी कभी तो ऐसी टिकट का प्रॉब्लम है अचम्मा जैसा लगता है, अचम्मा लगता है। अरे वो तो रात को ही गए, शादी में से 11 बजे विदा हुए, ऐसा कैसे हो गया? 2 बजे तो राम नाम हो गया, झटके आए, 2-3 इधर हिला के गया। शादी में बड़े रसगुल्ले मार रहा था, 2 बजे फोन आया कि गया वो तो। अब इनको बड़ा टेंशन आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे भाई बाप, 11 बजे से 2 बजे तक तो 4 घंटे हो गए, यहाँ तो पल भर में दुनिया बदल जाती है। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी, काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी, और एक ही पल में प्यारे बंदे सर पे चढ़ जावे, एक ही पल में प्यारे बंदे सर पर चढ़ जावे, ओ फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। करना है तो कर चल बंदे, करना है तो कर चल बंदे, वक्त चला जावे, वक्त चला जावे, फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी। अभी हमारे रास्ते पे आ जाओ फिर। काय भटके मन काय भटके, काय भटके मन काय भटके, नाना तुम्हारी धर्मपत्नी कथा में आई है क्या? किधर है? घुटने का प्रॉब्लम दिख रहा है मम्मी जी का है, इसलिए टेढ़े घुटने करके बैठी है मम्मी। बेटी की ना सुन रही मम्मी है? हमारे देश में हिंदू धर्म में पति की सुनती है सब। अब तो बहुत अच्छी लग रही है, चुप के क्यों बैठी है? नाना अच्छी अकेली ना लगती औरत, औरत जोड़ी में ही अच्छी लगे, अकेले तो संत अच्छे लगते। मन ले ले राम को नाम ही तो काय भटके, मन ले ले राम को नाम ही तो काय भटके, मन ले ले राम को नाम ही तो काय भटके, मन ले ले हरि को नाम ही
मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके मन काय भटके, मन ले 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 मन ले 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 मन ले 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 ले। ईमानदारी से बताओ अग्नि के फेरे इतनी दूर से लिए थे क्या? मराठी में क्या करते हैं उसको, क्या बोलते? फुग्गी बोलते हैं, फुग्गा बोलते हैं, हाथ पकड़ के फुगड़ी दिखाओ मराठी। शादी में एक हाथ पकड़ा तुमने, शादी में एक हाथ पकड़ के परिक्रमा ली है, अभी ये सत्संग गुरु के साथ में दोनों हाथ पकड़ के साथ देना लीजिए। संगीत वाले भी जरा ज्यादा चाहते कुछ, हमारे सेठ जी इंदौर वाले आप आ जाइए, साथ हैं आपकी जोड़ी के नहीं? वैसे तो मैं भी कुछ कम नहीं लगता, घूंघट डाल लूं तो। अब टेंशन लेना मत, अगर है सच में तो ले आओ, आपको दोनों हाथ वाला ही करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए भगवान श्याम सुंदर ने राधा जी के हाथों में हाथ डाल के फुक्का मारा था, तब से चल रहा है ये फुक्का। काली सेट में आप इधर आ जाइए, आप नाराज नहीं रहने का, इधर आप अकेले थोड़ी आए, अकेले क्या, जो अकेले अभी उनको मैं कुछ कह नहीं रहा, जोड़ी से हो जाएंगे तब उनको भी नहीं छोड़ने का है। कथा सुनाने के लिए आपको बुलाया होगा पर मैं कथा नहीं सुनाता, मैं आपको भक्ति करा रहा हूं। घर में ये मौका मिलने वाला होगा नहीं तब लीजिए, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया है बुढ़ापा भक्ति करने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा दुख भोगने के लिए। सब जवानी सारी सुंदरता अभी आप यूज कर लीजिए। दरअसल में बात क्या है, आज पहला दिन है इसलिए आप डर रहे थोड़ा प्लेटफॉर्म में, आपको अभ्यास दो दिन में पूरा हो जाएगा।
भवन सुत हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के, रामायण मात के। बैठ के कथा का आनंद लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी तो आपको फिर से याद करेंगे। आप अभी ध्यान मुद्रा में चले जाइए, मंत्र मुद्रा में चले जाइए, योग मुद्रा में जाकर कथा का श्रवण करना है। आपके शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से आपको भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुझे हर प्रकार की लीला करने में खुशी है। शरीर तर जाएगा आपका, इसमें बड़ी बुराइयां भरी हैं। भगवान के नाम पर, भगवान की कथा में जब शरीर अपने आप को प्रस्तुति दिखाता है, जब लहलाता है, तो शरीर के दोष निकलते हैं भगवान के कीर्तन में नाचने से। याद रखिए, शादी में नाचो आप, पार्टी में नाचो तो आपको बुराई आएगी, सत्संग में नाचो तो बुराई भागेगी, उल्टा नाच है यहाँ का। शादी में नाचने के लिए आदमी थक जाता है, फिर उसे कुछ और पीना पड़ता है तब नाचता है दिल खोल कर, है? क्योंकि शादी में जो ज्यादा नाचेगा पक्का समझ लेना डाल लिया इसने माल। और ये सत्संग का अलग ही लीला है, क्योंकि इधर नशा इतना छाया रहता है कि कुछ डालने की जरूरत ही पड़ती नहीं। शास्त्र कहता है और कभी भी कहते हैं, दुनिया का कोई भी शरूर पियो पर ऐसा पियो जो उतरे ना। बार पिया, बार उतरा, बार चढ़ा, बार उतरा, जो पीकर उतर जाए, चढ़कर उतर जाए, उस पीने से तो मरना भला है। और ऐसा रस पी जाओ जो कभी न उतरे, और वो रस एक ही रस है, राम रस। इसको पीने वाले कभी नशे से बृहत नहीं होते, ऐसे नशे में चले जाते कि उन्हें संसार दिखता नहीं। फिर